एक्सलेंसीज, आज इस अवसर पर मैं इस ग्लोबल सेंटर के लिए 5 लक्ष्य भी रखना चाहता हूं। पहला लक्ष्य, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ट्रेडिशनल विद्याओं के संकलन का है, उनका डेटाबेस बनाने का है। अलग अलग देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन की अलग अलग परंपराएं रही हैं। इस केंद्र में इन परंपराओं का संकलन करते हुए एक वैश्विक संग्रह यानी रिपोजिटरी बनानी चाहिए। ये केंद्र इन परंपराओं के जानकारों, मूल पद्धतियों के स्रोतों का अध्ययन करके भी उनका एक संकलन कर सकते हैं। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि अलग अलग देशों में मौजूद पारंपरिक चिकित्सा की महत्वपूर्ण जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मदद करती है। साथियों, जीसीटीएम को पारंपरिक औषधियों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बनाने चाहिए। ये आपकी संस्था का दूसरा लक्ष्य हो सकता है। इससे हर देश में लोगों का भरोसा इन औषधियों पर और बढ़ेगा। हम देखते हैं कि भारत की कई पारंपरिक दवाइयां विदेशियों को भी बहुत प्रभावी लगती है, लेकिन वैश्विक स्टैंडर्ड न होने की वजह से उनका नियमित व्यापार सीमित रहता है, इसलिए उनकी उपलब्धता भी कम रहती है। मुझे लगता है कि कई दूसरे देशों को भी इसी तरह की मुश्किल आती होगी। इस ग्लोबल सेंटर को इसके समाधान के लिए भी काम करना चाहिए। WHO ने भी हाल में आयुर्वेद, पंचकर्म और यूनानी के लिए बेंचमार्क डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। इसका विस्तार किया जाना भी जरूरी है। साथियों, GCTM एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहां विश्व की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के एक्सपर्ट्स एक साथ आए, एक साथ जुटे, अपने अनुभव साझा करें। इन प्रयासों को एक ग्लोबल सेंटर अपना तीसरा लक्ष्य बना सकता है। क्या यह संस्थान एक सालाना समारोह कर सकता है, कोई एनुअल ट्रेडिशनल मेडिसिन फेस्टिवल कर सकता है जिसमें दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों के एक्सपर्ट्स चिंतन करें, अपनी पद्धतियों को साझा करें? साथियों, मैं समझता हूं इस सेंटर का चौथा लक्ष्य रिसर्च में निवेश से जुड़ा होना चाहिए। GCTM को ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में रिसर्च के लिए फंडिंग को मोबिलाइज करना चाहिए। हम देखते हैं कि आधुनिक फार्मा कंपनियों के लिए रिसर्च क्षेत्र में अरबों खरबों डॉलर्स उपलब्ध रहते हैं। हमें उसी तरह के रिसोर्सेज ट्रेडिशनल मेडिसिन में रिसर्च के लिए भी तैयार करने चाहिए। पांचवा लक्ष्य ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से जुड़ा है। क्या GCTM कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के लिए होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विकसित कर सकता है जिसमें मरीज को मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेडिसिन दोनों का फायदा मिले? अपने हेल्थ केयर सिस्टम में इन प्राचीन विद्यालयों के इफेक्टिव इंटीग्रेशन से अनेक बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सकती है।